तो ये और भी संगत आ गई है बाहर का। गुरु जी को रुकना पड़ा बीच में। सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। यार ताई फोन आ गया। इसके सत्र होते हैं और इस सत्र से भी मुक्त हो जाता है और ब्रह्म लीन हो जाता है। जब इस सत्र से मुक्त होते हैं इससे आनंद बैठ जाता है। आनंद के सत्र से भी जब बाहर जाता है तो वो फिर मुक्त होता है। तो ईश्वर तो देखो एक ही है। ये तो है नहीं कि ईश्वर 500-600 हजार या 2-4 हजार है। इतने तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है किंतु आत्माएं अनेक है। आत्माएं अनेक है। अब हमने उसको क्या बोल दिया है? जैसे गीता में कृष्ण जी ने बोल दिया आई एम जीवात्मा जायते नामीयते वा कदाचन, कि ये जो जीवात्मा है ये ना कभी जन्म लेती है ना मरती है। अब उसने इसको जीवात्मा भी कहा। फिर दूसरी जगह गीता में बोल दिया कि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मनुष्य की गति है, मनुष्य के लिए अच्छी गति बताई। ये मनुष्य की गति को अच्छी गति माना है इसमें। और दूसरी चौथी गति का नाम है देव गति। इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि 16 स्वर्ग हैं इस पृथ्वी पर। मैंने को इस मान के मैं आपको स्वर्ग बताया, मैंने इस पृथ्वी के स्वर्गों के बारे में जिक्र किया है। 16 स्वर्ग हैं, उनमें अपनी गति के मुताबिक जैसी कोई करता है वैसा स्वर्ग वो प्राप्त करता जाता है। उन अपने पंचों कोषों के अंदर ध्यान करें जो मैंने शुरू में बताए थे, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, ठीक है नहीं, और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। उनसे उनके द्वारा Thank you.
भाई यहीं आप दर्शन कर लो माता रानी की। ये है ज्वाला मामाएँ साइड में, ज्वाला मामाएँ बहुत अच्छी तस्वीर है, मूर्ति है माता की, सामने रखे थे श्री भोलेनाथ और गुरु गोरक्षनाथ। और ये जो मंदिर है ये स्पेशल दुर्गा है, यहाँ पर दुर्गा माता है। फोटो तो खींच रहे हैं, फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बना दी। नब्बू कैसा लग गया था आश्रम माँ का? है ये फिर नोमू क्या दबाव है बड़का किया बेरन की याद तो हुआ है। घर आ चलना आई वे तू है तना चलना घर हाँ तो भी चल रहे हम घर पर। और